वेलकम टू माय चिड़िया कुकिंग चैनल जी। वी बस कैसे हैं, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आज की मेरी रेसिपी है कि टमाटर के सीजन में, जिन दिनों में टमाटर सस्ते होते हैं, इनको पेस्ट की सूरत में या वैसे ही हम इनको कैसे फ्रीज कर सकते हैं और महीनों तक इनको इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी के, ये मैं कैसे फ्रीज करूंगी और इसको पेस्ट में कैसे बनाऊंगी। टमाटर की पेस्ट बनाने के लिए मैंने तकरीबन एक गिलास पानी कढ़ाई में डाल दिया है। टमाटर मैंने ले लिए 1.5 kg। इस तरह मैंने इनका टॉप उतार दिया और इनको अच्छी तरह से धो लिया। हमने साबुत ही सारे के सारे टमाटर इसमें ऐड कर देने हैं। बस हमने इसको थोड़ा सा बॉईल करना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। जैसे ही सॉफ्ट होंगे तो हम इसकी पेस्ट बनाएंगे। तो मैं दिखाती हूँ सारे टमाटर ऐड करके इसमें एक अच्छा सा बॉईल आ जाए तो कितने सॉफ्ट होंगे, जिस पे हम इसको पेस्ट की सूरत में बनाएंगे। तो जैसे ही सॉफ्ट होते हैं, पानी इसमें कम यूज करें, जैसे कि मैंने एक गिलास यूज किया है क्योंकि टमाटर ने अपना पानी भी छोड़ना है, तो इसलिए सिर्फ एक गिलास ही काफी है इसमें। तो जब इसमें बॉईल आ जाता है तो मैं दिखाती हूँ। पानी में देखें अच्छा सा बॉईल आ गया है। तो इस स्टेज पे मैंने इसके ऊपर ढक्कन लगा के तकरीबन लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए इनको सॉफ्ट होने के लिए छोड़ देती हूँ। तो लिड लगा के मैं इसको छोड़ देती हूँ 5 मिनट के लिए। तकरीबन 6 से 7 मिनट हो गए हैं टमाटर को उबलते हुए। तो देखें कि इनका छिलका फट गया है और ये सॉफ्ट हो गया है। बस इसी स्टेज पे हमने फ्लेम को कर देना है ऑफ और इसका ठंडा होने का वेट करना है। तो फ्लेम को मैं ऑफ कर देती हूँ और ठंडा होता है तो मैं दिखाती हूँ आपको। टमाटर हमारे अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं, बस हमें इसी तरह का चाहिए था और इतना ही पानी है जितना हमने डाला था और कुछ टमाटरों ने छोड़ा। तो इसको हम जग में डाल के ब्लेंड कर लेते हैं, अच्छी तरह से एक पेस्ट बना लेती हूँ। तो मैं दिखाती हूँ इसकी पेस्ट बना के आपको। टमाटर का पेस्ट बना के मैंने दोबारा इसी कढ़ाई में पकने के लिए रख दिया है, फ्लेम ऑन कर दिया मैंने। तो हल्की फ्लेम पे जब इसको उबाला आ जाएगा तो हम इसको छोड़ देंगे हल्की फ्लेम पे ठीक होने के लिए, ताकि इसका पानी रिड्यूस हो जाए और हमारे पास एक ठीक सी पेस्ट आ जाए। तो जैसे ही बॉईल आता है तो मैं दिखाती हूँ। टमाटर की पेस्ट में अच्छे से बबल आ गए हैं तो हमने फ्लेम को कर देना है लो और इसको हाफ ढांप देना है, क्योंकि इसके छींटे जो होते हैं वो बहुत दूर तक जाते हैं, तो जिसकी वजह से आसपास की किचन की सारी चीज़ों पे छींटे पड़ने का अंदेशा होता है। तो इसलिए हाफ कवर करके मैं इसको लो फ्लेम पे थिक होने के लिए छोड़ देती हूँ। जब तक थिक होता है तो मैं दिखाती हूँ कि इसको कितना टाइम लगा। केचप पेस्ट को पकते हुए तकरीबन 45 मिनट हो गए। लो फ्लेम पे मैंने इसको छोड़ दिया था। बस आते जाते मैंने इसमें चम्मच ही चलाया है, यानी कंटिन्यू ये नहीं है कि मैं इसके पास खड़े हो के मुझे पकाना पड़ा। बस साथ साथ मैं दूसरे काम करती गई और साथ साथ इसको गहे बगाए मैंने चम्मच चलाती गई। तो जितना पानी रिड्यूस होना था तकरीबन आधा इतना था हमारी कढ़ाई, तो हमें बस ऐसा ही चाहिए, यानी ठीक हो गया है। तो बस ठंडा इसको मैं फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ और इसके ठंडा होने की वेट करती हूँ। ठंडा होने के बाद हम इसको कैसे फ्रीज करेंगे तो मैं दिखाऊंगी आपको जब ये मुकम्मल ठंडी हो जाएगी। बस पकाने में एक टिप याद रखिएगा कि स्पैचुला की मदद से साइडों को आपने साफ करते जाना है, वरना ये होगा कि साइडों पे लग लग के वो हमारा पेस्ट ज़ाया हो जाएगा टमाटर का। तो इसलिए हमें पकाते वक्त बस इस बात का ध्यान रखना है कि साइडों को हमने साथ साथ साफ करके दरमियान में करते जाना है। तो देखिए पेस्ट हमारी तैयार हो गई है, बस फ्लेम को कर दिया है ऑफ। तो ठंडा होने का वेट करती हूँ और मैं आपको इसको फ्रीज करने का तरीका भी बताऊंगी। टमाटर की पेस्ट जैसे ही ठंडी हुई तो कुछ मैंने इस ट्रे में उसको जमाने के लिए छोड़ दिया, यानी फ्रीजर में रख दिया। कुछ मैंने इस तरह का कंटेनर इसमें डाल दिया जो मैं यूज़ करूंगी बाद में, और कुछ टमाटर को हमने साबुत ही इस तरह फ्रीज कर लिया, ये भी हमारे काम आ सकते हैं। यानी हमारा ये मकसद है कि कम अज़ कम जगह में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पेस्ट और फ्रीज की हुई चीज़ आ जाए। तो इस तरह करके जब आधे ये फ्रीज हो गए थे तो मैंने इसमें कट्स लगा लिए थे, जो बहुत ही आसानी से ये देखे इस तरह करने से बिल्कुल पीसों में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही आधे ये टेम्परेचर पे आए, यानी ये फ्रीज हो जाए, तो आपने इसको कट्स लगा देने हैं और बाद में ये देखिए कितनी ही आसानी से ये पीसों में आ रहे हैं। तो ये पीस हम किसी भी पॉलीथिन जिप लॉक बैग जो होता है इस पे डाल के हम यूज कर सकते हैं जितने भी हमें चाहिए होंगे। तो देखिए 1 by 1 करके सारे ही हो गए हैं।
तो मैंने इस तरह का जिप लॉक बैग लिया है, तो इसके अंदर मैं इनको ट्रांसफर कर दूंगी। तो इस तरह करके हम बहुत लंबे अरसे के लिए, जब टमाटरों का सीजन होता है, सस्ते होते हैं, तो हम इस तरह इनको स्टोर कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं। एक तो ये है कि खाना बहुत जल्दी जल्दी और झटपट से तैयार हो जाता है अगर हमारे पास टमाटर पेस्ट, अदरक और लहसुन पेस्ट पहले से मौजूद हो, तो हमारे लिए बहुत सी आसानी हो जाती है। तो इस तरह करके जिप लॉक बैग में मैं इसको डाल लेती हूँ। तो ये था मेरा आज का तरीका टमाटर प्योरी को या टमाटर पेस्ट को हम किस तरह महीनों के लिए फ्रीजर में फ्रीज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन दिनों में टमाटर सस्ते होते हैं तो आप इस सूरत में भी इनको फ्रीज कर सकते हैं। उम्मीद है मेरे टिप एंड ट्रिक को फॉलो करते हुए आप लाजमी इस तरह पेस्ट बना के रखेंगे। जिन दिनों में टमाटर ज़्यादा महंगे होते हैं आप उन दिनों में पेस्ट यूज़ करें, और जिन दिनों में नॉर्मल प्राइस पे होते हैं तो उन दिनों में मेरा मशवरा है कि आप फ्रेश ही यूज़ करें। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, इसको मैं फ्रीज कर देती हूँ। मैं उन दिनों में इस्तेमाल करती हूँ जिन दिनों में टमाटरों के रेट बहुत हाई हो जाते हैं। तो उम्मीद है मेरी टिप एंड ट्रिक को आप फॉलो करते हुए आप भी इस तरह टमाटरों को महफूज करेंगे। तो मेरे चैनल पे नए आने वाले जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके, और बेल आइकन को दबाना भी ज़रूरी है। उम्मीद है मेरी बातों को आप ज़रूर फॉलो करेंगे। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। आप अपना ख्याल रखिएगा, गाँव में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।